छठे चरण के लिए इस समय मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे तेज गति से मतदान चल रहा है तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रफ्तार सुस्त है, ये हम आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त निशाना साधा है और अमित शाह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। नौकरी और पेंशन पर भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी। पार्टियां कर दी थी मगर कभी भी झूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया जाता। राहुल गांधी जी ने एक नई परंपरा करी, शुरू करी कि झूठी बात को ही मुद्दा बनाया जाए और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है। मैं आज अग्निवीर योजना के बारे में थोड़ा डिटेल बात इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75% अग्निवीरों को कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो गया। दरअसल योजना है कि 100 बच्चे अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25% तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाए। अब जो 75% बच्चे बचे हैं, युवा बचे हैं, इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10% से 20% रिजर्वेशन किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उसमें भी 10% रिजर्वेशन किया है। उनको रिजर्व सीटों के उपरांत सिलेक्शन में भी कई सारी रियायतें दी है, जैसे उम्र की रियायत दी है कि इनकी एज ग्रुप में रिलैक्सेशन दिया है, उसके बाद एग्जामिनेशन में कुछ एडवांटेजेस दिए हैं, फिजिकल भी नहीं कर। अब ये सारी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में न आए। अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो अलग ही बात है। पर इसके अलावे भी ढेर सारे सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्रायोरिटी तय की है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है और पहले हम बात करते हैं बंगाल की, जहां आज मतदान के दौरान कई जगह पर झड़पें हुई हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया है। सुबह से 3 घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा घटना झारग्राम में हुई जहां बीजेपी उम्मीदवार प्रनंत टुडू के काफिले पर पथराव कर दिया गया। उनके सुरक्षाकर्मी पथराव में घायल हुए। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। इससे पहले वहां हल्दिया और मेदिनीपुर में बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव की खबर मिली। जानकारी के अनुसार हल्दिया में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली का विरोध किया। वहीं मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के विरोध में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी।